नमस्ते, आज का हमारा टॉपिक है कपल्ड ऑसिलेशंस युग्मित दोलन। ये हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग विद द नेम कपल्ड ऑसिलेशंस। तो इसका मैं आज आप लोगों को इंट्रो दूंगी। तो देखिए, हम लोगों ने पहले दोलन पढ़े हैं हम लोगों ने, तो उसमें क्या होता है कि जो भी ऑसिलेटर्स होते हैं वो एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी के साथ में और वाइब्रेट करते हैं, तो वो जो वाइब्रेशंस होते हैं हम लोगों की उसको हम लोग बोलते हैं मोड ऑफ वाइब्रेशंस, दैट मीन्स कंपन विधा बोलते हैं हम लोग उस किसी भी दोलक की हम लोग। तो देखिए, उन विधाओं में से एक विधा होती है हम लोगों की नॉर्मल मोड, दैट मीन्स सामान्य विधा। वो जब होता है जब कि ऑसिलेटर का जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो ओनली एक ही वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो, तो उस टाइप के जो ऑसिलेशंस होते हैं उस टाइम की जो विधा होगी सामान्य, उसको हम लोग सामान्य विधा बोलेंगे, नॉर्मल मोड। तो देखिए, हम लोगों ने पहले इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स पढ़े थे, दैट मीन्स कि वो ऐसे ऑसिलेटर्स हैं जो कि अपने सराउंडिंग वाले टेम्परेचर, सराउंडिंग की जो भी सराउंडिंग है उस पर हम लोगों का बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। दैट मीन्स कि वो वाले जो ऑसिलेटर्स वो एक आइडियल कंडीशन है, वो एग्जिस्ट नहीं करते नॉर्मल लाइफ के अंदर। जो भी ऑसिलेटर्स होते हैं वो अपने आसपास की सराउंडिंग वगैरह पे डिपेंड करते हैं। दैट मीन्स कि हर एक ऑसिलेटर एक तरीके से एक कपल्ड ऑसिलेटर होता है, एक युग्मित दोलन होता है, दोलक होता है। तो देखिए, कपल्ड ऑसिलेटर्स का ही हम लोग एक लेंगे एग्जांपल। तो देखिए, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये दो हम लोगों ने पेंडुलम्स थे हमारे, उन दोनों को हम लोगों ने एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, राइट। तो इस टाइम पे अब हम लोग इस एक दोलक, इसको हम लोग घुमाते हैं, इस वाले पेंडुलम को। तो इसको घुमाने से आप लोगों के पास इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा इसकी वजह से, दैट मीन्स कि अब इसका जो मोशन है वो इसके मोशन पे भी डिपेंड कर रहा है। ये दोनों का मोशन एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स दोनों का मोशन इंडिपेंडेंट नहीं रहा। तो वही हमारे कपल्ड ऑसिलेटर्स होते हैं। तो कपल्ड ऑसिलेटर की हम लोगों को यदि डेफिनेशन लिखनी हो तो वो ऐसा होगा, व्हेन टू ऑसिलेटर्स आर कपल्ड देन देयर मोशन इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, दैट इज मोशन ऑफ बोथ इज डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, दिस टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स आर कॉल्ड कपल्ड ऑसिलेटर्स। दैट मीन्स जब दो दोलकों को युग्मित किया जाता है तो दोनों की गति जो होती है वो स्वतंत्र नहीं रहती है, दोनों की गति एक दूसरे पर निर्भर करने लग जाती है। इस प्रकार के दोलकों को हम लोग युग्मित दोलन बोलते हैं, और उनके दोलनों को हम लोग युग्मित दोलन बोलेंगे, और उनके ऑसिलेशंस को हम लोग कपल्ड ऑसिलेशंस बोलेंगे। उसी के हम लोगों ने यहाँ पर एग्जांपल्स बताए हुए हैं। पहला तो आपके पास ये हो गया। दूसरा देखिए, जब तक हम लोग K1 M1 तक ही बात करते हैं तो ये एक तरीके का स्प्रिंग वाला ऑसिलेटर होता, K2 M2 भी एक अलग ऑसिलेटर था। अब इन दोनों के बीच में हम लोगों ने स्प्रिंग कनेक्ट कर दी, तो ये एक तरीके से यही हो गया, ये भी एक कपल्ड ऑसिलेटर हो गया। इसको स्ट्रेच कंप्रेस करने पर हम लोगों का इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, दैट मीन्स ये हमारा कपल्ड ऑसिलेटर का ही एग्जाम्पल होगा। थर्ड हम लोगों ने लिया है एक LC सर्किट लिए, ये दो अब बीच के अंदर ये दो इंडक्टर है हमारे प्रेरक तो एक दूसरे के पास में है, तो इसमें सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से इसके अंदर जो भी चार्ज फ्लो होगा उसकी वजह से इसमें इंडक्टेंस EMF इंड्यूस होगी, तो इसी से हम लोग बोल सकते हैं ये भी एक कपल्ड ऑसिलेटर होगा। फोर्थ हम लोगों ने मॉलिक्यूल लिया है H2 मॉलिक्यूल, वैसे ही कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसको भी हम लोग कपल्ड ऑसिलेटर का एग्जांपल बता सकते हैं। तो देखिए, हम लोग कपल्ड ऑसिलेटर्स को ही आगे स्टडी करेंगे। तो देखिए, जब भी दो ऑसिलेटर्स कपल्ड होते हैं, दो दोलक युग्मन होते हैं, तो उनके अंदर ऊर्जा का विनिमय होता है, राइट। दैट मीन्स उनमें ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, एनर्जी एक्सचेंज होगा उन दोनों ऑसिलेटर्स में। जैसे हम लोगों ने देखा था वो पहले वाला केस, उसके अंदर दो पेंडुलम्स थे, वो दोनों स्प्रिंग से कनेक्टेड थे हमारे। दैट मीन्स कि जब एक पेंडुलम को हम लोग थोड़ा सा ऑसिलेट करवाएंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, तो उसकी वजह से दूसरे वाले पेंडुलम पे भी फर्क पड़ेगा। दैट मीन्स इन दोनों में भी एक, वो दूसरे वाले को आप लोगों ने पहले हिलाया ही नहीं था, लेकिन उसके वो भी अब ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स उन दोनों में ऊर्जा का एक्सचेंज हुआ है, दैट मीन्स एनर्जी एक्सचेंज होगा दो कपल्ड ऑसिलेटर्स उनके बीच में। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि जब नॉर्मल मोड की बात करेंगे हम लोग कपल ऑसिलेटर के, वो एक तरीके से सुपरपोजिशन होगा दोनों इंडिविजुअल ऑसिलेटर्स उनके नॉर्मल मोड्स का, राइट। देखिए, ये वाली जो प्रॉपर्टी थी हमारी, एनर्जी एक्सचेंज होता है दोनों के बीच में, ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के लिए भी निकाली हुई है। जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, दो कपल्ड ऑसिलेटर्स थे, उन दोनों को हम लोगों ने बीच में मास के थ्रू कनेक्ट किया हुआ था, तो हम लोगों ने एक ही ऑसिलेटर था, एक पेंडुलम था हम लोगों ने, उसको हम लोगों ने हिलाया था, तो उसकी वजह से
वो दूसरा वाला आर्क पेंडुलम था उसको हम लोगों ने टच भी नहीं किया था, लेकिन उसके वो भी ऑसिलेट करना स्टार्ट कर दिया था। दैट वो एक सीधा एग्जांपल है और प्रूफ है कि एनर्जी एक्सचेंज होता है दो कपल्ड ऑसिलेटर्स के बीच में। अब हमारा आता है कि देखिए इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स हम लोग और देखना चाहें तो जब भी मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे कोई भी कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करते हैं हम लोगों के, तो उसको भी हम लोग एक तरीके से कपल्ड ऑसिलेटर्स के थ्रू ही स्टडी कर सकते हैं। और जब हम लोग वेव की बात करते हैं, तरंग की, तरंग कैसे जाती है, ये ऐसे करके भी जाती है, दैट मीन्स वाइब्रेट होकर, वो भी एक तरीके से हमारे पास कपल्ड ऑसिलेटर का ही एग्जाम्पल होगा। तो अब मैं बता, इससे हम लोग देख सकते हैं कि देखिए जो कपलिंग होगी दो मैकेनिकल ऑसिलेटर्स के बीच, मैकेनिकल ऑसिलेटर्स में, वो दो तरीके की होगी, एक स्टिफनेस दुर्गम्यता के थ्रू, एक दूसरा होती है सहायक पिंड के द्रव्यमान के द्वारा ऑक्सिलरी मास के थ्रू। तो ऑक्सिलरी मास के थ्रू तो हम लोगों ने वो एक्सपेरिमेंट में किया था, दूसरा होती है हमारे पास स्टिफनेस के थ्रू, इससे दो कपलिंग हो सकती है हम लोगों की। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कपल्ड ऑसिलेटर्स। कपल्ड ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, हमारे एक ऐसे ऑसिलेटर्स होते हैं जब उन दोनों को किसी भी थ्रू के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो उन दोनों के अंदर उन दोनों की जो गति होती है वो एक दूसरे पर डिपेंड करने लग जाती है, जो गति होती है वो इंडिपेंडेंट नहीं रह पाती है। दूसरी चीज़ कि उनके अंदर एनर्जी एक्सचेंज होता है और उसके जो नॉर्मल मोड्स होते हैं वो सुपरपोजिशन होता है एक इंडिविजुअल मोड्स का। दैट मीन्स युग्मित दोलक की जो सामान्य विधा होती है वो दोनों की सामान्य विधाओं का अध्यारोपण होती है, और उसका रियल लाइफ एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में और वेव के अंदर। थैंक यू। तो यहाँ पर हम लोगों का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है कपल्ड ऑसिलेटर्स का। थैंक यू।